तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को लेकर। लेकिन इससे यार आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि क्या सच में क्रेडिट कार्ड का पैसा अपन बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो कौन सा वो सही तरीका है, क्योंकि मार्केट में कई सारे ऐसे इलीगल तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट अगर क्रेडिट कार्ड चाहता तो आपका ये पैसा, आपकी जो भी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उसको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता था। बट ये ऐसा क्यों नहीं करता और कौन कौन से तरीके, अच्छा पहले तरीके बता देता हूँ यार, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, फिर मैं आपको बाद में समझा दूंगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो। तो पहले समझते हैं कि कौन कौन से तरीके अपन यूज़ कर सकते हैं जो कि अपने लिए सेफ़ रहें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि जिस भी तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैसा कोई भी एप्लीकेशन में आप डालते हो और फिर वो बाद में आपके अकाउंट में नहीं गया तो आप लोग ही मुझे कमेंट करके बोलोगे कि भाई कृष्णा भाई आपने ये गलत बताया यार, इससे हमारा पैसा चला गया और अकाउंट में नहीं आया। बट एक्चुअल में क्या तरीके हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए और किस टाइप के तरीके हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर देना। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अपने को अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आप जो एप्लीकेशन का यूज़ रेगुलरली करते हैं ना, मैं उनके थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक एप्लीकेशन है पेटीएम, एक क्या आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो पेटीएम एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड की मदद से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप नीचे आओगे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा पेटीएम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंट वाया क्रेडिट कार्ड। अभी एक और तरीका बताऊंगा आपको, पहले आप इस वीडियो को मतलब इस तरीके को देख लो। तो इसमें आपको जस्ट क्लिक करना है, देन इसके बाद आप किसी भी अगर अपने फ्रेंड को या फिर अपने भी अकाउंट में लेना चाहते हो तो यहाँ पर जस्ट आप इंटर बैंक अकाउंट आईडी या फिर जो भी आईडी यहाँ पर इंटर करके आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे जिस भी अकाउंट में आपको पैसे सेंड करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, जस्ट यहाँ पर अपना को अकाउंट सेलेक्ट करना है और फॉर सपोज यहाँ पर मैं एट द नंबर डाल के ये वाला जो भी यूपीआई आईडी है जिसमें मेरे को लेने हैं वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट, यहाँ पर आप जिस भी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप डाल के वहाँ पर डायरेक्टली आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ये पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये एक तरीका काफ़ी ज़्यादा इजीली आपके लिए हो जाता है और इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अब मैं यार आप लोगों को ये सेफ तरीका क्यों बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को एक लिमिट मिलती है कि इतनी पैसा आप कर सकते हो, बट मैं इन तरीकों को सेफ मानता हूँ क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है पेटीएम एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जो मतलब कि बढ़िया है, काफ़ी सारे लोग आप में से यूज़ भी करते होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये तरीका रिकमेंड करता हूँ। बाकी यार अगर मैं कल को कोई भी ऐप्स के बारे में बता दूँ तो आप में से काफ़ी सारे लोग कर लेंगे बट आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर फंस गई, पेमेंट अटक गई, तो आप लोग मेरे को ही बोलोगे। तो अब यहाँ पर मैं एक और तरीका बता देता हूँ, वो है फ़ोनपे से। फ़ोनपे का तरीका भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप आइएगा, फ़ोनपे को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको कर देना है नीचे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप लोग पेटीएम को ओपन करोगे आप इसे अपडेट कर लेना ताकि ये आपके लिए अच्छे से वर्किंग में आ जाए। और यहाँ पर रेंट पेमेंट वाले बटन में आप क्लिक करके जिसको भी आप सेंड करना है यहाँ पर ऐड कर देना, अमाउंट डालना, और अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू में क्लिक करना, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर नॉर्मली ऐड कर लेना, क्रेडिट कार्ड का नंबर, वैलिड जो भी CVV है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे और नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके अपना पैसा आसानी से ले पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है इस माध्यम से भी पैसे ट्रांसफ़र करना। बाकी काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि कई बार पेमेंट अटक जाए, बट फोनपे ट्रस्टेड है, फोनपे पेटीएम दोनों ही ट्रस्टेड है, आपका जो पेमेंट है वो कभी भी रुकेगा नहीं। हाँ टाइम लग सकता है कि 48 आवर लग जाए या फिर सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट हाँ ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये दो मेथड हैं काफ़ी ज़्यादा इजीली, आप इन मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को ट्राई कर सकते हैं और इजीली अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई ऐसे ऐप्स चाहिए तो पास्ट में मैंने कई सारी एप्लीकेशन पर वीडियोज़ बना रखा हूँ, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं जो कि ट्रस्टेड होती हैं। और बाकी सेफ तरीका मैं इन दोनों को ही मानता हूँ जो कि आपके लिए भी बेस्ट रहेगा और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाकी आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।